मिलना अकेला, जिसको भी देखूं दुनिया भुला दूं, मजनू बना दूं ऐसी मैं लैला, लैला मैं लैला ऐसी हूँ लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। गाना बहुत ही लाजवाब है और सभी को काफी पसंद आ रहा है। तो पहली बार जब आपको ये गाना मिला तो क्या रिएक्शन था और कैसे आया आपके पास ये गाना? गाना तो खैर आइकॉनिक सॉन्ग है और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे ये गाना गाने का मौका मिला, एंड दैट टू इन अ फिल्म लाइक रईस। आई मीन SRK, सनी लियोनी, XL प्रोडक्शंस, एवरीथिंग। और जब मुझे गाने का कॉल आया तो तब मुझे पता नहीं था कि ये गाना रईस के लिए होने वाला है। राम सर ने सिर्फ मुझे कॉल किया एंड ही आस्क्ड मी कि अगर मैं ये गाना जानती थी, तो मैंने कहा कि हाँ सर बिल्कुल, ये गाना तो सबकी जुबान पर ही है। तो ही सेड कि ठीक है, आ जाओ स्टूडियो एंड हम एक रिक्रिएटेड वर्जन हम ट्राई कर रहे हैं, तो लेट्स ट्राई कि कैसा होता है। मैं स्टूडियो पहुंची, मैंने रिकॉर्ड किया। तो मैंने जब रिकॉर्ड किया तो इट वाज वेरी जो गाना था, जो ट्रैक था, वो बिल्कुल पुराने गाने के ट्रैक जैसा ही था। इट वाज एक्चुअली साउंडिंग अ रिक्रिएटेड वर्जन। और बहुत मैं एक्साइटेड थी, मुझे क्योंकि कुछ पता ही नहीं था कि किसके लिए है, बट स्टिल आई गेव माई बेस्ट टू इट। अच्छा, इसके अलावा कोई भी सॉन्ग अगर हम रिक्रिएट करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है कि अच्छा करना है, तो उसको लेकर कितना नर्वस फील कर रहे थे आप? जैसा मैंने कहा कि मुझे पता ही नहीं था कि एक तो रईस के लिए है, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि किस प्रोजेक्ट के लिए है, किसी फिल्म के लिए है या यूट्यूब के लिए है, मुझे कुछ नहीं पता था। तो कहीं ना कहीं जो नर्वसनेस थी वो उतनी ज़्यादा नहीं थी, बिकॉज आप जब अनअवेयर होते हो कि किस चीज़ के लिए होने वाला है तो आपको कुछ आइडिया ही नहीं है। सो बेसिकली मेरे अंदर जो नर्वसनेस थी वो एक नॉर्मल नर्वसनेस थी जो रिकॉर्डिंग के पहले होती है। असली नर्वसनेस बाद में शुरू हुई जब पता चला कि वो रईस के लिए है। जी, तो जब आपको पता चला तो शाहरुख का और सनी लियोनी का क्या रिएक्शन था? मतलब आप मिले थे उनसे, कुछ ऐसे कुछ इंटरेक्शन हुआ? नहीं, मैं अभी तक मैं मिली नहीं हूँ, ना शाहरुख सर से मिली हूँ ना सनी से मिली हूँ, बट मुझे उनके बहुत रिस्पॉन्सेज मुझे बहुत अच्छे मिले हैं उन दोनों की ओर से। ट्विटर पे उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे लिए कोट किया है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ देम। बट जब मुझे ये पता चला था कि ये गाना सनी के लिए है, मुझे एक न्यूज़पेपर से पता चला था, तो उसी वक्त मैंने राम सर को कॉल किया और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप मुझे एक बार और इस गाने को डब करने दीजिए, बिकॉज आई थॉट कि जो मैंने ऑलरेडी गाया है वो शायद सनी पे उतना अच्छा ना लगे, बिकॉज मैंने उस गाने को बहुत पुराने गाने की तरह गाया था, जैसे कंचन जी ने गाया है, बहुत इनोसेंट इनोसेंस उन्होंने बरकरार रखी उस गाने में, मैंने बिल्कुल वैसे गाया था। बट देन सनी तो आखिर सनी है, तो उनके लिए कुछ उम फैक्टर होना चाहिए गाने में। सो आई थॉट कि वो मिसिंग था उसमें, तो मैंने रीडब के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया। जी, जब आपने रीडब के लिए कहा तो उनका क्या रिएक्शन था और उन्होंने मतलब कहा कि इस गाना ये गाना फिट बैठेगा या फिर से डब करवाएं? राम सर इज़ अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखते हैं अपने सिंगर के अंदर, और मैंने जब उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मुझे एक बार और डब करना है, तो उनका सबसे पहला सवाल मुझे ये था कि तुम क्यों करना चाहती हो, तुमने ऑलरेडी बहुत अच्छा गाया है। तो मुझे बहुत उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि सर प्लीज़ मुझे एक बार और गाने दीजिए, एंड ही वॉज काइंड इनफ टू गिव मी द चांस। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, एडजस्टमेंट करता हूँ, एंड देन लेट मी सी हाउ कैन वी गो अबाउट इट। अगले ही दिन मुझे उनका मैसेज आ गया एंड ही गेव मी अ चांस टू रीडब द सॉन्ग। राइट, इसके अलावा फैंस की तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है और फैन ने क्या खास कॉम्प्लीमेंट दिया है गाने को लेकर? जो मेरे ऑलरेडी जो फैंस हैं और जो पीछे से जो मेरे फैंस चले आ रहे हैं, दे ऑल वर वेरी एक्साइटेड। मेरी तरह वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे शायद कि मेरा इतनी बड़ी फिल्म में गाना आ जाएगा। तो मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है मेरी मेरे फ्रेंड से, मेरी फैमिली से, मेरे फैंस से, और इस गाने के आने के बाद जो एक न्यू बेस बना है फैंस का, वो भी बहुत बहुत वास्ट हो गया है। बहुत लाजवाब मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं, रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, इट्स जस्ट अमेजिंग। मतलब कह सकते हैं कि आपकी लाइफ का ये बड़ा ब्रेक होने वाला है? डेफिनेटली, आई मीन अब इससे बड़ा ब्रेक मैं खुद इमेजिन नहीं कर सकती हूँ कि क्या होगा, बट या डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट सॉन्ग्स इन माई लाइफ। अच्छा, इसके अलावा ऐसा कोई जॉनर है जिसमें आप खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हैं? क्योंकि
अभी तक जितने भी गाने आए ऑलमोस्ट सेम जॉनर के हैं आपके, तो ऐसा कोई जॉनर है जिसमें आप खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो वो कौन सा जॉनर है और कौन सा गाना होगा? आई थिंक मैंने अभी तक जितने गाने गाए हैं, चाहे वो बड़े प्रोजेक्ट हों, छोटे प्रोजेक्ट्स हों, जो भी हों, मैंने कोशिश की है कि मैं हर तरह का गाना गाऊं। मेरठिया गैंगस्टर में मेरा एक रॉक गाना था, एक सॉफ्ट गाना था। यूट्यूब पे मैं काफ़ी कोशिश करती रहती हूँ कि मैं कुछ पुराने गाने भी गाऊं, मैं कुछ नए गाने भी गाऊं। सो आई थिंक कि लैला इज़ अ सॉन्ग जो इतने बड़े लेवल पे बाहर आया है। बाकी जो मैंने जिस तरह 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 के जो गाने गाए हैं वो शायद उस लेवल पे बाहर नहीं आ पाए। बट आई वुड लाइक कि मेरे दो जो दूसरे जॉनर के जो गाने हैं वो भी लोग अब उसको उनको देखें, उनको अप्रिशिएट करें, सो दैट लोगों को पता चले कि हाँ शायद मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ। बट हाँ, एक जॉनर ऐसा है जो मैंने अभी तक जिसमें गाया नहीं है, दैट इज़ सूफी जॉनर। ना मैंने पर्सनली उसमें एक्सप्लोर किया है, ना मुझे प्रोफेशनली मौका मिला है, बट या आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर दैट। अच्छा, आजकल सिंगल का जमाना चल पड़ा है और जूने गाने को रिक्रिएट किया जा रहा है, जैसे लैला में लैला, तो ऐसा कोई सिंगल आप गाना चाहेंगे इन फ्यूचर, और ऐसा कोई गाना है जिसको आप फिर से रिक्रिएट करना चाहें, अगर दो लाइनें गुनगुना भी दें? माय गॉड, बहुत डिफिकल्ट सवाल है, एकदम से इतने सारे गाने आ रहे हैं मेरी नज़रों के सामने। बट अगर रिक्रिएट ही करना है तो आई वुड लव कि मैं कोई आशा जी का गाना रिक्रिएट कर पाऊँ। समथिंग लाइक दम मारो दम हो चुका है, बट दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स। हंगामा हो गया भी हो चुका है। आई वुड लाइक टू रिक्रिएट समथिंग लाइक पिया तू अब तो आ जा। आई मीन वो बहुत ही ब्रिलियंट गाना है। एंड तो मैं तो खैर आशा जी के लेवल पे तो ऑब्वियसली आई मीन इट्स इम्पॉसिबल टू रिक्रिएट दैट, बट मैं एक ट्रिब्यूट पे करना चाहूँगी उनको। पिया तू अब तो आ जा, शोला सामन देह के आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जाए, लगा जा। अच्छा, इसके अलावा आप प्लेबैक सिंगर हैं, लेकिन जो फिल्मों में म्यूजिक डायरेक्टर्स होते हैं, मतलब मल्टीपल म्यूजिक डायरेक्टर्स यूज किए जाते हैं, तो उस चीज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों कहीं ना कहीं ओरिजिनलिटी कम हो जाती है गानों की और एल्बम की? आई थिंक कि जो मल्टीपल म्यूजिक डायरेक्टर्स यूज करने का जो सोल रीजन है, आई मीन मैं इस चीज़ को ना गलत कहूँगी ना सही कहूँगी, बट जो सोल रीज़न है वो ये है कि आजकल इतने ज़्यादा म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, आजकल बहुत सिंगर्स हैं, बहुत बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं। आई मीन आप चूज़ नहीं कर सकते कि हम इन्हीं को एक फिल्म दें, एक ही इंसान को एक फिल्म दें, क्योंकि किसी इंसान ने कोई एक गाना अच्छा बनाया है, किसी इंसान ने कोई दूसरा गाना अच्छा बनाया है। तो आई थिंक कि अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर्स को आप जब एक फिल्म में ढालते हैं तो उन सबका एक अलग कलर आता है, उनका एक अपना तरीका, एक अपना स्टाइल आता है फिल्म के अंदर। सो प्रॉबली दैट इज़ द रीज़न मेरे हिसाब से कि मल्टीपल म्यूज़िक डायरेक्टर्स को यूज़ किया जाता है। right. इसके अलावा आपका कोई ड्रीम म्यूज़िक डायरेक्टर है जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे और अभी तक आपने काम नहीं किया हो? ओके, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ काम नहीं किया मैंने, बट अ ड्रीम टू वर्क विथ वुड बी मिस्टर ए आर रहमान फॉर अ बॉलीवुड सॉन्ग और अ हॉलीवुड प्रोजेक्ट। या दैट एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट यू वांट टू शेयर विद अस बिसाइड दिस? फ्यू ऑफ माय अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आर अनारकली आरा वाली, इट इज़ डायरेक्टेड बाय अविनाश दास, एंड म्यूजिक है उनमें रोहित शर्मा जी का। स्वरा भास्कर उसमें लीड है और उसमें दो गाने हैं। दूसरी फिल्म है गन्स ऑफ बनारस फ्रॉम शायना नाथ, एंड अशोक मुंशी जी उस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और करण नाथ उसमें लीड रोल प्ले कर रहे हैं। सोहेल सेन इज़ द म्यूजिक डायरेक्टर एंड शेखर सूरी इज़ द डायरेक्टर, एंड देर आर फ्यू मोर जो कि अनटाइटल्ड हैं अभी तक, बट आई मीन यू ऑल विल कम टू नो सून। एनी प्लान्स टू कम विद सिंगल? प्लान है अभी, अब मैंने प्लान बनाना शुरू किया है, सो इट इज़ वेरी अर्ली टू टॉक अबाउट इट, बट आई एम श्योर जैसे ही कुछ कॉन्क्रीट प्लान होगा एवरीबॉडी विल कम टू नो। हाई, दिस इज़ पावनी पांडे एंड यू आर वॉचिंग चिली फ्लेक्स।